www.pipeducation.com/wpadman. A person of
अस्सलाम वालेकुम जी। असद मुझे जरा राइट्स दें स्क्रीन शेयरिंग के। असद राइट्स दें जरा शेयरिंग के। दे दिए सर। जी स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे टॉपिक हैं जिनके ऊपर इंशाल्लाह अज़ीज़ हम बात करेंगे वो हैं जी कि डेटाबेस में कीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, डेटाबेस में रिलेशनशिप कितने किस्म के होते हैं, डेटाबेस में जो कंस्ट्रेंट्स हम लगाते हैं वो कितने किस्म के कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद RDM मॉडल जो है, रिलेशनल डेटा मॉडल, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात करेंगे। जॉइंस का एक बड़ा अहम टॉपिक है और उसकी एग्जाम का टॉपिक, इसके ऊपर बात करेंगे और नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो इसको कंप्लीट करेंगे, वरना नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हमारा डेटाबेस के हवाले से लास्ट सेशन होगा, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है ना वो हम बात करेंगे। आप लोग ओके के मैसेज के साथ मुझे रिप्लाई करेंगे, अपने जो कैम वगैरह हैं उनको बंद कर लें जी प्लीज़, ओके के मैसेज के साथ रिप्लाई करेंगे जिससे मुझे पता चलेगा जी कि एक तो मेरी आवाज़ सबको आ रही है, स्क्रीन प्रॉपरली शेयर हो रही है और आप बिल्कुल रेडी हैं लेसन को सुनने के लिए, और हम इसको स्टार्ट करते हैं जी, ठीक है जी। तो कल के बारे में जो हमने पढ़ा था, अगर आपने वो लेसन पढ़ा है, सुना है, अगर तो कोई क्वेश्चन आपके में है तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल का जो सेशन था, जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है उनको यकीनी तौर पे लिंक मिल चुका होगा, ठीक है जी। और उस लिंक के ऊपर जो वीडियोस हैं जी, दो वीडियोस में हमारा सेशन रिकॉर्ड हुआ था कल वाला, वो भी आपने देख लेना है, ठीक है। तो उसमें वीडियो बेसिकली वो सेशन हमारा एक ही था, ठीक है, तो उस हवाले से भी आपने ये देख लेना है जी। नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन नहीं है जी। आवाज़ कट रही है तो वरदा आप अपने नेट को थोड़ा चेक कर लें, थोड़ा करीब हो जाएं, क्योंकि आवाज़ का इशू बाकी स्टूडेंट्स को नहीं है, आपके एंड पे होगा डेफिनेटली। अगर आपको आवाज़ सही आनी है तो उसमें पार्टिसिपेंट्स का भी है और आपका अपना नेट भी जो है ना वो मैटर करता है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, हमने बात खत्म की थी सर। वो कल मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि वो अगर आप लोगो जो है वो थोड़ा सा, वो जो आपने अपना लगाया वेब बैक पे, वो अगर आप हटा दें। आज मैं पढ़ रही थी तो सर वो मुझसे नहीं रीड हो रहा था, मैंने प्रिंट करवा किया था और नहीं हो रहा था। सेकंडली सर, जो डेट फ्लैट फाइल और ट्रेडिशनल जो है उसका कॉन्सेप्ट जो था वो उस नोट्स में थोड़ा सा क्लियर नहीं था, यानी समझ मुझे कल आ गई थी, लेकिन अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन वगैरह हो सो डैट थोड़े से, क्योंकि उसमें अगर आप देखें ना तो उसमें वर्ड्स जो है वो आगे डेटाबेस को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी थोड़ी वो, अगर आप डेटाबेस जो है इसकी डेफिनेशन सिंपल यही है कि एक ऐसी डेटाबेस जिसमें सारे का सारा डेटा हम एक ही फाइल में या फाइल्स की सूरत में जो है ना वो हम स्टोर करते हैं, उसमें रिलेशन नहीं होते। रिलेशन से मुराद के टेबल्स की सूरत में हम डेटा को स्टोर नहीं करते, जो फ्लैट फाइल सिस्टम था, जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था हमारे पास बिफोर द इन्वेंशन ऑफ रिलेशनल मॉडल। यानी एक बात डेटाबेस के हवाले से हम समझ लेते हैं कि डेटाबेस से मुराद है कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, डेटाबेस से मुराद है हमारी कलेक्शन ऑफ डेटा। अब जब कंप्यूटर में प्रोग्राम बनता था तो डेटा तो जाके सेव होता ही था किसी ना किसी जगह, तो जब रिलेशनल डेटा मॉडल नहीं था जो डॉक्टर ईएफ कोर ने बताया था या बनाया था 1960s या 70 के अंदर, तो उससे पहले डेटा को किस तरह से स्टोर किया जाता था, तो डेटा को रिलेशन फाइल्स की सूरत में, जो आप अपनी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि फाइल हैंडलिंग आप किस तरह से करते हैं, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल में आप डाटा रख रहे होते हैं, टेक्स्ट फाइल से आप डाटा को रीड कर रहे होते हैं, तो दैट वाज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। अगर मैं आपको करके दिखाऊं
तो वो कुछ इस तरह से डाटा स्टोर होता होता था, यानी इस तरह रोल नंबर लिख दिया जाता था, ठीक है, कुछ टैब दबा के नेम रख दिया जाता था, और इसी तरह टैब दबा के फॉर एग्जांपल जो है वो क्लास और एक टेक्स्ट फाइल या डाटा फाइल के अंदर जो है वो डाटा जाके स्टोर होता होता था, ठीक है जी। तो बेसिकली ये वो ये इस तरह का जो फाइल सिस्टम था, इसका जो नुकसान था, सबसे पहला नुकसान तो यही था कि ये हर सिस्टम के लिए अलग अलग बनता था। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जो था, हर सिस्टम के लिए अलग अलग डेटाबेस बनती थी। ये देखें, ये एक बेहतरीन एग्जांपल है। ये आपका फाइल सिस्टम था, ये फाइलें होती थी, फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री और फाइल फोर, और इस तरह आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम बने होते थे। मसलन ये पेरोल को कैलकुलेट करने वाला है, ये जो है ये हमारे पास एम्प्लॉयज जो हैं उनकी अटेंडेंस को मार्क करने वाला है, और ये वाला जो है ये अकाउंट्स को हैंडल करने वाला है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये तीन एप्लीकेशंस होते थे, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चल रही होती थी, ये एचआर डिपार्टमेंट में चल रही होती थी, और ये पेरोल डिपार्टमेंट में चल रही होती थी। फर्ज कर लें आप, हर डिपार्टमेंट का फाइल सिस्टम और फाइल्स जो हैं वो डिफरेंट होती थी। हर फाइल में यहाँ भी एम्प्लॉयज का डाटा मौजूद होता था, यहाँ भी मौजूद होता था, यहाँ भी मौजूद होता था, यहाँ भी मौजूद होता था। अब अगर एचआर से एक एम्प्लॉय चला जाता था तो वो एम्प्लॉय का डाटा तमाम फाइल्स में से डिलीट करना पड़ता था, लेकिन अब चूंकि हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस आ गई है, लॉजिकली वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये भी एक शानदार डायग्राम है कि आप देखें, ये वही एग्जांपल है, ये अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग की फाइल्स हैं, ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग की फाइल्स हैं, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की फाइल्स हैं। अगर आप देखें तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लैट फाइल डेटाबेस मॉडल में तमाम डाटा डिफरेंट फाइल्स के अंदर स्टोर हो रहा है, और अगर आप इन तमाम के नाम थोड़े से गौर से देखें तो सेल्स इनवाइस यहाँ भी सेव हो रही है, यहाँ भी सेव हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो है वो इसके अंदर हो रहा होता था, ठीक है। और इसकी वजह से दूसरी वजह ये होती थी कि ये जो एप्लीकेशन होती थी, ये एप्लीकेशन इन फाइल्स के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती थी। एक नुकसान इसका ये था कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा होती थी, दूसरा नुकसान ये था कि ये इनकंसिस्टेंट होता था, ठीक है जी। तीसरा नुकसान इसका ये होता था कि इसमें डाटा डिपेंडेंस मौजूद होती थी, एप्लीकेशन जो होती थी वो डाटा के या फाइल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती थी। उसके मुकाबले में जब हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस आया तो ये सारी एप्लीकेशन तीन की तीन रही, और पीछे एक ही डेटाबेस के अंदर जो है ना ये आपके पास जो है ना ये मॉडल चेंज होके आया, ठीक है जी। ये डेटाबेस मॉडल है जो रिलेशनल मॉडल है, आप इसमें देख सकते हैं दरमियान में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है, और ये डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस हैं अकाउंटिंग, मार्केटिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, ठीक हो गया। और ये एक ही डेटाबेस में सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अब आप देखें तो सेल्स इनवाइस सिर्फ एक दफा लिखी गई है, रिडंडेंसी खत्म हो गई, इनकंसिस्टेंसी भी खत्म हो गई, और डाटा डिपेंडेंस जो है वो मिनिमम हो गई या वो कम हो गई। ये डिफरेंस है फ्लैट फाइल डेटाबेस सिस्टम या ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम में और आज के मॉडर्न रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद जी हमने बात खत्म की थी ईआर डायग्राम के ऊपर, टाइप्स ऑफ मॉडल के ऊपर। तो हमने ये कहा था कि हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डेटाबेस मॉडल है, या हम रिकॉर्ड बेस्ड को बात करते हैं, हायरार्किकल नेटवर्क, और इसकी बात की थी। टाइप्स ऑफ डेटाबेस में हमने डिजाइन को डिस्कस किया था। मेरा ख्याल है एग्जैक्टली हम ईआर डायग्राम जो है इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात कर रहे थे, और एंटिटी को हमने डिस्कस किया था कि एंटिटी क्या है, वीक एंटिटी क्या है, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो है ये हमारे पास क्या होती है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे तो नेमिंग एंटिटी की कन्वेंशन हमने पढ़ ली थी, कैपिटल में नाम लिखा जाता है, सिंगुलर नाउन में नाम लिखा जाता है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक कर देती है तो उसकी सूरत में भी हम इसका नाम जो है वो लिखते हैं जी। डोमेन एट्रीब्यूट्स जी, अभी हम आगे जा रहे हैं जी, अभी जा रहे हैं जी, आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटिटी के बाद जो अगली चीज है, यानी एक एंटिटी रिलेशन, यानी आप अब बात कर रहे हैं कि एक डेटाबेस को आप मॉडल कैसे करते हैं, और मॉडल में भी कौन सा मॉडल आप डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है जी।
तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में पहली चीज तो एंटिटी है, एंटिटी को हम डायग्राम में इस तरह से जाहिर करेंगे। स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल को हम यूज करते हैं, और वीक एंटिटी के लिए हम एक ऐसी रेक्टेंगल को यूज करेंगे जो डबल बॉर्डर रेक्टेंगल है। ये फर्क आपने अपने जहन में याद रखना है। उसके बाद आ गया जी, हर एंटिटी में जो है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एंटिटी में एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो स्टूडेंट का नाम जो है ये एक एट्रीब्यूट है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी क्लास, उसके सब्जेक्ट्स, ये सारे उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। उन एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज हैं हमारे पास, वो वैल्यूज हमारे पास क्या हैं जी, वो वैल्यूज हमारे पास हैं जब हम उसके अंदर डाटा को फीड कर देते हैं, तो वो हमारी वैल्यूज बन जाती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है मोहम्मद हफीज, नूर मोहम्मद और 37, तो ये वैल्यूज हैं और ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। अब डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट क्या होता है, टाइप्स ऑफ द एट्रीब्यूट क्या होता है। सबसे पहले तो डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट, डोमेन से मुराद ये है कि उस एट्रीब्यूट में किस डेटा टाइप की वैल्यू आएगी। इंटीजर वैल्यू आएगी, फ्लोट आएगी, वारचार आएगी, करेक्टर आएगी, या उसके अंदर जो है कोई बाइनरी ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बाइनरी है, यानी आप उसमें तस्वीर को अपलोड करना चाहते हैं, किसी और फाइल को अपलोड करना चाहते हैं, तो वो बाइनरी ऑब्जेक्ट कहलाता है। तकरीबन आज के हर मॉडर्न डेटाबेस के अंदर वो डेटा टाइप जो है वो सपोर्ट होती है, जिसके जरिए आप डेटाबेस के अंदर डेटाबेस के अंदर यूज कर सकते हैं। ये कहलाता है जी बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, BLOB, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। तकरीबन हर डेटाबेस के अंदर आप तस्वीर को, आवाज को, किसी भी डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए जाहिर है उसकी डोमेन जो है वो ना तो वारचार होगी, ना फिर फ्लोट होगी, ना डबल होगी, तो उसके लिए BLOB, ये इसका एक जनरल नाम है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक्सेस में इसको किसी और डेटा टाइप के नाम से भी दिया जा सकता है, MySQL में किसी और नाम से दिया जा सकता है, DB माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर में किसी और नाम से भी दिया जा सकता है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन एक ऐसी डेटा टाइप, एक ऐसी डोमेन वैल्यू आज की हर मॉडर्न डेटाबेस में मौजूद है। अगर हम बात करें एट्रीब्यूट्स की, तो हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं ये दो किस्म के हैं, सिंपल आर कंपोजिट हैं और सिंगल वैल्यूड या मल्टी वैल्यूड है। सिंपल आर कंपोजिट से मुराद हमारे पास क्या है कि जी ऐसे एट्रीब्यूट्स जो के और स्टोर्ड आर डिराइव्ड, ये तीन इकसाम होगी जी हमारे पास। ठीक है, सिंपल और कंपोजिट, ऐसे एट्रीब्यूट्स जो के एक ही वैल्यू को डिपिक्ट करते हैं वो हमारे पास सिंपल कहलाएंगे, और जो एक से ज्यादा वैल्यूज को, जैसे नेम है तो ये कंपोजिट है, आप इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ जो है, इसमें ईयर भी मौजूद है, इसके अंदर जो है वो डे भी मौजूद है, और इसके अंदर मंथ भी मौजूद है। सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड का भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है। मसलन आपके पास एड्रेस के अंदर आप देखें एक से ज्यादा वैल्यूज जो है ना वो मौजूद होती हैं, तो सिंगल वैल्यू वो है जिसमें सिंपल एक वैल्यू आएगी, मल्टी वैल्यूड वो है जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज जो है वो पुट अप हो सकती है। स्टोर आर ड्राइव का मतलब क्या है, ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको पहले से मौजूद एट्रीब्यूट्स में से अखज किया जा सकता है। मिसालें इसकी देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। मसलन सिंगल वैल्यू एट ए टाइम, वेयर एज सम हैव द मल्टीपल वैल्यू। सिंगल वैल्यू एट ए टाइम जो स्टोर करेगा वो हमारे पास कहलाएगा सिंगल एट्रीब्यूट। ठीक है जी, और जो मल्टीपल वैल्यू लेगा वो हमारे पास कहलाएगा मल्टीपल एट्रीब्यूट। मसलन मिसाल इसकी क्या है जी, हॉबी आप एक एट्रीब्यूट बनाते हैं किसी स्टूडेंट के टेबल में, तो हॉबी एक से ज्यादा लोगों के होते हैं, तो लिहाजा ये मल्टीपल वैल्यूज लेगा, तो ये एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ये सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है। और गुड डेटाबेस डिजाइन ये कहता है, गुड डेटाबेस डिजाइन ये कहता है कि हमारे पास जो सिंगल वैल्यूड है वो, हाँ जी, मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट में वर्दा फर्क क्या है। मल्टी वैल्यूड का मतलब है जिसकी वैल्यूज एक से ज्यादा पुट अप की जा सकती है, और कंपोजिट का मतलब है जिस एट्रीब्यूट को एक से ज्यादा एट्रीब्यूट में डिवाइड किया जा सकता है। मसलन जो नेम है, अब नेम को हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डिवाइड कर सकते हैं, अब हॉबी तो हॉबी ही रहेगा। ठीक है, उसके अंदर जो आने वाली वैल्यूज हैं वो एक से ज्यादा हो सकती है। समझ आ रही है, तो ये एक सिंपल सी जो है ना वो डिफरेंस लाइन है इनके दरमियान।
तो ये वैल्यू मीन्स नॉट बिट्स, वैल्यू मीन्स द वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेबल है जिसमें आप हॉबीज है, हॉबी है, और उसके नीचे आप स्टोर करना चाहते हैं वैल्यू को, तो आप हॉबीज एक से ज्यादा लिखेंगे तो वो नॉट मीन बिट्स. ओके, यहाँ पर हम बिट्स या बाइट्स की बात नहीं करेंगे, हम जेनेरिक डोमेन की बात करेंगे. ऑन द अदर हैंड देखें जी कि नेम जो है, फादर नेम जो है, डेजिग्नेशन, अब डेजिग्नेशन जो वैल्यू है इसके अंदर एक ही डेजिग्नेशन आएगा, एक बंदे का एक ही डेजिग्नेशन होता है, एक से ज्यादा नहीं होते. ठीक है, तो वो इसका मतलब क्या है कि डेजिग्नेशन के अगेंस्ट जो वैल्यू आएगी वो सिंगल वैल्यू आएगी, वो मल्टी वैल्यू नहीं आ सकती. लेकिन अगर आप एक एक फील्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, ड्यूटी का फील्ड है, तो ड्यूटी एक से ज्यादा भी बंदे को असाइन की जा सकती है. तो ये हो गया जी हमारे पास सिंगल वैल्यूड या मल्टी वैल्यूड. सिंपल और कंपोजिट का फर्क जो है वो यहाँ पर मैं आप जब फादर नेम, फर्स्ट नेम जो है, अब फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी को या फर्स्ट नेम एट्रीब्यूट को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. फर्स्ट नेम ओनली बी फर्स्ट नेम, लेकिन नेम जो है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. आप देखें नेम को हम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में डिवाइड कर सकते हैं. तो उसका मतलब है नेम जो है ये एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है. ठीक है जी, क्लियर हो गया जी सिंगल और कंपोजिट का. वैल्यू की समझ क्यों नहीं, वैल्यू की समझ ये है कि जब आपके पास एक टेबल होगा उसके अंदर जो वैल्यूज एंटर की जाएंगी वो वैल्यूज, एक वैल्यू एंटर की जाएगी या एक से ज्यादा, ये बेसिकली सिंपल सी बात है. अगर कोई बंदा आपसे पूछता है जी आपके हॉबी क्या हैं, तो आप कितने जवाब दे सकते हो, एक भी दे सकते हो, दो भी. इसका मतलब है हॉबी एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है किसी एंटिटी की जिसकी जो वैल्यूज हैं वो एक से ज्यादा हो सकती हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है हॉबी एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है किसी भी एंटिटी का. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन एट्रीब्यूट है. कंपोजिट एट्रीब्यूट हमारे, ठीक हो गया, पहले तो इसको क्लियर कर लें. मल्टीपल मोबाइल नंबर्स भी आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आपको अगर हॉबी वाली मिसाल समझ में नहीं आ रही, आप किसी से पूछते हैं जी आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो आजकल जैसे हमारे पास एक से ज्यादा मोबाइल नंबर होते हैं, ठीक है, तो हम जो इसके अगेंस्ट जो वैल्यू आ सकती है वो एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है, तो इट मीन्स ये मल्टी वैल्यू है. आप किसी से पूछें आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका नाम क्या है, तो एक ही जवाब आएगा, किसी बंदे के दो नाम नहीं होते. तो ये सिंगल वैल्यूड है लेकिन कंपोजिट है, ये लफ्ज ज़हन में रखें. नेम जो है ये सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है लेकिन नेम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, चूंकि नेम को हम जो है वो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जो है वो फर्स्ट नेम और लास्ट. अगर आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे तो फिर आपका नाम आएगा जी वहां पर, जो है मिसाल के तौर पे नाम आएगा तारिक और रशीद. तारिक फर्स्ट में चला जाएगा, रशीद सेकंड में चला जाएगा. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड, सिंपल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट. इनका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए जी. उसके बाद आ गया जी हमारे पास स्टोर्ड और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स. कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो हम दूसरे एट्रीब्यूट से जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं. वैल्यूज आर नॉट स्टोर्ड एज सच, रैदर दे आर कंप्यूटेड और ड्राइव्ड ऑन द बेस्ड ऑफ द वैल्यूज. सिंगल वैल्यूड ऐसे कंपोजिट जिनकी वैल्यू सिंगल होती है वो सिंगल वैल्यूड कहलाएंगे. डेट ऑफ बर्थ बंदे की सिंगल होती है कि नहीं, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, सिंगल वैल्यूड है लेकिन कंपोजिट एट्रीब्यूट है. ठीक है, सिंगल वैल्यू है लेकिन कंपोजिट एट्रीब्यूट है, तो इस हवाले से आपको समझना पड़ेगा. एक डिवीजन मैं आपको ना यहाँ पे शायद मैं अच्छे तरीके से आपको समझा नहीं पा रहा. सिंगल वैल्यू है जी, रोल नंबर जो है ये है भी सिंगल वैल्यू है और ये सिंपल है, ये कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि रोल नंबर जो है ये किसी का फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. ठीक है, नाम को तो हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं. यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर आपने रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल उसका एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपने उसका हॉबीज लिखा हुआ है. ठीक है, ये सिंपल आपके सामने एक मिसाल है. अब आप इस रिकॉर्ड को फीड करें तो 101 रोल नंबर है, तलहा तलहा मजीद जो है वो उसका नाम है, एड्रेस उसका जो है वो हमारे पास. इस तरह एक एक करके पूछेंगे तो फिर तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी जी.
ठीक है, आप पहले ये एग्जाम्पल देख लें, इसके बाद अगर आपको क्लियर ना हो तो फिर आप पूछिएगा जी। ठीक है जी, ये देखें जी, ये नेम है, अब यहीं से क्लियर हो जाएगा जी एग्जाम्पल। उसके बाद एड्रेस है जी आपका, और उसके बाद आपकी हॉबीज है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, एड्रेस आपने यहाँ पे लिया जी कि आपका जो हाउस नंबर है वो 34 है, स्ट्रीट नंबर जो है वो 4 है, टाउन जो है वो आपका मेहंदी टाउन है, और सिटी जो है वो आपका गुजरांवाला है। ठीक है, क्योंकि मैं इस वक्त गुजरांवाला में हूँ तो इसलिए मेरे जहन में गुजरांवाला का नाम आया। अब आपकी आ गई हॉबीज़ की बारी। हॉबीज़ में आपने लिखा जी, एक तो हॉबी मेरा बुक रीडिंग है, कॉमा डाल रहे हैं आप, ठीक है, और इसका क्या मतलब है कि दूसरा हॉबी जो है वो इंटरनेट सर्फिंग है। हो गया, अब आप ज़रा देखें कि इसमें कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है कि जिसमें दो वैल्यूज आई हैं। ये सिंगल वैल्यू है, ये भी सिंगल वैल्यू है। दो वैल्यू से मुराद कि ये बुक रीडिंग एक अलहदा वैल्यू है और इंटरनेट सर्फिंग एक अलहदा वैल्यू है, हॉबी की ही अलहदा वैल्यू है। तो इसका मतलब है ये एक मल्टी वैल्यू है। सिंपल और कंपोजिट की डिवीजन यहाँ होनी है, याद रखिए। अगर तो आप इस नाम को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते तो फिर इसका मतलब है कि ये कंपोजिट है, ठीक है। अगर आप वैल्यू को दो वैल्यूज में डिवाइड कर सकते हैं तो फिर ये मल्टी वैल्यूड है। यानी वैल्यूड की डिवीजन सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, और सिंपल और कंपोजिट होता है ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड नेम। ये इस तरह करके अब आपको क्लियरली इसकी समझ आनी चाहिए। ऐसा ऐसा एट्रीब्यूट जिसके नाम को जिसकी जिस एट्रीब्यूट को हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे पास सिंपल, यानी अब हम एड्रेस को ब्रेकअप करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, हाउस नंबर का कॉलम बना दें, स्ट्रीट का बना दें, सिटी का बना दें, आपका एक ही एड्रेस जो है वो डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एड्रेस जो था ये कंपोजिट एट्रीब्यूट था, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ जी रॉल नंबर को क्या आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम रॉल नंबर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लिहाजा ये एक सिंपल कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस तरह आपने ये फर्क क्लियर करना है कि आपके पास सिंगल वैल्यूड कौन से हैं और मल्टी वैल्यूड कौन से हैं और सिंपल कौन से हैं और कंपोजिट कौन से हैं, ठीक है जी। आई होप के अब क्लियर हो गया होगा जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आगे स्टोर्ड और ड्राइव एट्रीब्यूट्स। ऐसे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं कि जो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स, इसको हम अलहदा से स्टोर नहीं करते। मिसाल के तौर पे वी मे स्टोर द नेम, फादर नेम, एड्रेस, लेकिन एज जो है ये हम कंप्यूट करेंगे फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ के हवाले से। जी बिल्कुल सही है जी, ड्राइव आफ्टर कैलकुलेशन। मसलन आपका गुड जो डेटाबेस डिजाइन है वो ये कहता है कि अगर आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ का एट्रीब्यूट मौजूद है, आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो किसी स्टूडेंट की स्टोर की हुई है, तो अब आपको एज का कॉलम इसमें नहीं बनाना चाहिए। एज क्या होगा, एज का मतलब है आज की डेट में से डेट ऑफ बर्थ को माइनस करके क्रिएट करना। ऐसा एट्रीब्यूट विच कैन बी कैलकुलेटेड, विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स, फ्रॉम स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स, दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट द स्टोर्ड और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। तो ये हमारे पास एग्जाम है, इनको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं। सिंपल एट्रीब्यूट से एक ओवल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट इस तरह, यानी यहाँ पर मेन नाम और यहाँ पे जो जो जिसमें डिवाइड किया हुआ है वो वाला आ जाएगा। मल्टी वैल्यूड जो होते हैं वो डबल लाइन ओवल के साथ होते हैं, और जो डिराइव्ड होते हैं ये डॉटेड लाइन ओवल के जरिए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स की एग्जांपल आ गई है जी, ठीक हो गया जी। ये टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे क्लियर हो गए जी कि एट्रीब्यूट्स हमारे पास कितने किस्म के होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, एट्रीब्यूट्स के बाद आगे जी कीज का कॉन्सेप्ट। जब आप एक टेबल बनाते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर, तो उन एट्रीब्यूट्स में से कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी वैल्यू जो है ना वो हमेशा यूनिक रहती है, किसी दूसरे रिकॉर्ड से वो चें डुप्लीकेट नहीं होती। जैसे इस टेबल में आप जितने मर्जी रिकॉर्ड एंटर कर दें, रोल नंबर की वैल्यू कभी डुप्लीकेट नहीं होगी। इसी तरह आप देखेंगे कि और भी ऐसे फील्ड हो सकते हैं, मसलन यहाँ पे ईमेल का फील्ड है, तो ईमेल भी कभी
डुप्लीकेट नहीं होगा। यहाँ पे सी एन आई सी का भी अगर फील्ड है तो सी एन आई सी भी कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। तो एक एट्रीब्यूट्स, एक एंटिटी के अंदर मौजूद जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी वैल्यू हमेशा यूनिक रहती है, कभी वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो ऐसे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको उस एंटिटी के की एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। अ की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी, लफ्ज है यहाँ पे कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई आर एक्सेस ए पर्टिकुलर एंटिटी इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप, सो दिस इज कॉल्ड द की। ठीक है, तो ये मिलते जुलते लफ्ज होंगे जी। प्राइमरी की भी एक की होती है। अब की की आगे एग्जाम आ गई। सबसे पहले तो की, ऐसा एट्रीब्यूट जो के यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है वो की है। आप किसी को उसके आईडी से भी पहचान सकते हैं, उसके रोल नंबर से भी पहचान सकते हैं, दैट इज की। अब पहली टाइप जो है दैट इज कॉल्ड द सुपर की, यानी जो पहली किस्म है वो है हमारे पास सुपर की। अगर एक ऐसी की है कि जो डुप्लीकेट नहीं होती और जिसके जरिए आप उसे पहचान सकते हैं, वो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। याद रखिएगा सुपर की जो डेफिनेशन है वो मैंने नेट से यहाँ पर देखी थी और उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाई है। ये देखें जी आईडी, और इसी तरह ये हमारे पास आ गया जी, वो मेरा ख्याल है लिखा हुआ है और ये नेम लिखा हुआ है और आईडी और नेम को मिलाकर भी। तो ये अब तीन हमारे पास ऐसी कीज हैं। अगर अकेला आईडी है तो हम कहेंगे ये सुपर की है, ठीक है जी, क्योंकि इससे यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। नेम और आईडी को मिलाकर भी अगर हम बनाएंगे तो ये भी एक यूनिक की बन जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह फोन जो है ये भी हर बंदे का यूनिक होता है, तो ये भी कभी डुप्लीकेट नहीं होता। तो ऐसी की किसी भी टेबल के अंदर जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, जरा फर्क समझ लीजिएगा, यहाँ पे लफज यूनिक का नहीं है, यूनिकली आइडेंटिफाई का लफज कोई नहीं है। की दैट कैन बी आइडेंटिफाई दैट बाय व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड is called the key. The attribute are a set of attributes by which we can uniquely identify a record or entity that is called super key. अब ये जो super key होती हैं, इन्हीं में से फिर बनती है candidate, primary, alternates और secondary. इन्हीं super में से ही बनती है। आमतौर पे स्टूडेंट यहाँ आके कंफ्यूज हो जाता है कि जी ये तो सुपर की है तो फिर ये प्राइमरी की क्यों है। जिस तरह हमने पीछे देखा कि हमारे पास कंपोजिट जो है वो मल्टी वैल्यूड हो सकता है, मल्टी वैल्यूड नहीं भी हो सकता, तो इसी तरह यहाँ पर देखें कैंडिडेट की भी सुपर की है, प्राइमरी की भी सुपर की है, अल्टरनेट की भी एक सुपर की है। ये लफ्ज अपने जहन में बिठा लें सबसे पहले, ठीक है। इन तीनों का ताल्लुक जो है ये प्राइमरी की बनाने के लिए है। ये लफ्ज सुन लें, सुपर की हर वो एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली। अब आ जाओ कैंडिडेट की, आपके पास एक टेबल मौजूद है, उस टेबल में आपने ढूंढना शुरू कर दिया कि मैं प्राइमरी की कौन सी रखूं, ठीक है जी। सुपर इज जनरल, जब हम बात करते हैं जी कैंडिडेट की मैं कौन सी, सॉरी प्राइमरी की अब बनाने का मरहला आ गया, आपके पास ये टेबल है जी, रोल नंबर भी इसके अंदर मौजूद है, ईमेल भी मौजूद है, सीएनआईसी भी मौजूद है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मौजूद है, ठीक हो गया। अब आप देखें यहाँ पे कि आपके पास चार बटन ऐसे, चार फील्ड ऐसे हैं कि जो सुपर की बन, प्राइमरी की बन सकते हैं। प्राइमरी की हम बनाना चाहते हैं, प्राइमरी की हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने प्राइमरी की बनाना है। प्राइमरी की दो शरायत होती हैं जी, प्राइमरी की एक तो नॉट नल होती है और एक इसके अंदर यूनिक वैल्यू होती है हमेशा। ये दो खूबियां जिस एट्रीब्यूट में मौजूद हों, आप कहें कि कह सकते हैं कि वो एट्रीब्यूट प्राइमरी की बन सकता है, ठीक है जी। नॉट नल, जिसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती, यानी कोई भी स्टूडेंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसका रोल नंबर लाजमी तौर पर होता है। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि जो हमारे पास बगैर रोल नंबर के होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भी हो सकता, रजिस्ट्रेशन नंबर बाद में भी उसे मिल सकता है। एक स्टूडेंट कॉलेज में दाखिल होता है तो उसे रोल नंबर सबसे पहले असाइन होता है, बाद में बोर्ड के अंदर उसका दाखिला भेजा जाता है तो उसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन होता है। एक बंदा यूनिवर्सिटी में जब एनरोल होता है
तो उसे एक रोल नंबर क्लास की तरफ से दे दिया जाता है, बाद में उसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो असाइन किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक है, रोल नंबर भी यूनिक है। तो ऐसी तमाम कीज जो के प्राइमरी की बन सकती हैं, दैट कैन, लफ्ज यहाँ पे सुनिएगा, दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी इंस्टेंस। मैं मुश्किल लफ्ज यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आप कह सकते हैं दैट कैन बी टू आइडेंटिफाई ए यूनिक रिकॉर्ड, क्योंकि एक यूनिक रिकॉर्ड जो होता है ये बेसिकली एक एंटिटी का इंस्टेंस होता है, ठीक है। तो दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, लफ्ज यहाँ पे कैन है तो ये कैंडिडेट की है, ठीक है जी। अब प्राइमरी की का लफ्ज क्या आ जाएगा, आपने बनाया कि हम हमारे पास ये तीन थे, हमने इसमें से रोल नंबर को फाइनल कर लिया, तो रोल नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी, प्राइमरी की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई, दैट यूनिकली आइडेंटिफाई, यानी अब कैन नहीं है, अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, तो उसका मतलब है प्राइमरी की वो एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अब आ गया जी अल्टरनेट, अल्टरनेट की हमारे पास कौन सी है, ठीक है जी, सच सच कैंडिडेट की दैट इज नॉट बीइंग सिलेक्टेड एज पीके, ओके जी, ऐसी की जिसको पीके के तौर के ऊपर मुंतखब नहीं किया गया, वो क्वालिफाई करती थी कैंडिडेट प्राइमरी की बनने के अहल थी, लेकिन हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास अल्टरनेट की है जी। प्राइमरी की बाज सिचुएशन में सिंगल सिंपल भी हो सकती है, बाज में ये कंपोजिट होती है। प्राइमरी की दो एग्जाम होती हैं, सिंपल प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की। अगर आपके टेबल में दो फील्ड्स को मिलाकर प्राइमरी की बनाई गई है तो देन इट विल बी कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की, और अगर एक ही फील्ड के ऊपर बनाई गई है तो फिर वो आपके पास जो है वो सिंगुलर या सिंपल प्राइमरी की कहलाती है। तो कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट, इन तीनों का फर्क आपको समझ आना चाहिए। ये तीनों सुपर की हैं, सबसे पहले तीनों सुपर की हैं, और इन तीनों में से हमने एक को चूज करना था। तीन कैंडिडेट आई हमारे पास, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ईमेल और सीएनआई, की चारों जो हैं ये क्वालिफाई करती थी कि आप इनको बना सकते, ठीक है जी। ये चारों जो थे वो क्वालिफाई करते थे कि जी ये भी क्वालिफाई करती थी, रोल नंबर भी क्वालिफाई करता था, ईमेल भी और सीएनआईसी, और हमने मार्क कि रोल नंबर जो है ये मोस्ट सूटेबल की है, तो रोल नंबर हमारी प्राइमरी की बन गई, और ये अब जो रह गई हैं ये हमारी अल्टरनेट कीज बन गई हैं, ठीक है जी। जी जितनी भी प्राइमरी की बन सकती हैं, दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई दैट आर कैंडिडेट की, दैट इज बीइंग चूजन फॉर identify that is primary key and that as such candidate keys which has not been selected for the primary key that will then become the alternate keys, ठीक है जी। हाँ जी, alternate key super key कैसे हो सकती है, चूंकि मैंने पहले बता दिया कि super key तो हर वो key है जो uniquely identify कर सकती है, simple बात है, super key हर एक key है, select नहीं करती, can select करती, ठीक है ना जी। हाँ जी, ऑल द फील्ड्स आर कैंडिडेट्स की एंड द फील्ड्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज आर चूजन एज प्राइमरी की, नहीं जी ऐसे नहीं हम कह सकते, तमाम जो फील्ड्स होते हैं वो कैंडिडेट कीज नहीं होते। अब ये एड्रेस कैंडिडेट की नहीं है, हॉबी जो है ये कैंडिडेट की